भौतिक संपदा का जो दुरुपयोग हो रहा है इसको मनुष्य ही बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए एक विराट दर्शन की आवश्यकता है और वही विराट दर्शन है सामाजिक जीवन में भौतिक जीवन को संतुलन बनाकर चलने के लिए प्रौढ़। प्रौढ़ दर्शन कहता है कि मनुष्य के अंदर तीन सूक्ष्म शक्तियां और संपदाएं छुपी हुई हैं, भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में। इन तीन संपदाओं का मानव जाति के लिए, मानव जगत के लिए, पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए चरम उपयोग हो जाना चाहिए, चरम उपयोग। अगर कोई डॉक्टर है तो उनके अंदर जितनी चिकित्सा की गुणे हैं उसको मानवता के कल्याण में निःस्वार्थ भाव से और निःशुल्क भाव से लगा देना चाहिए। कोई अगर शिक्षित है, शिक्षक है, अगर कोई शिक्षा दे सकता है, गुरु का पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है, तो उनके उन गुणों को शिक्षा के क्षेत्र में लगा देना चाहिए, लेकिन निःशुल्क और निःस्वार्थ भाव से। तो मनुष्य के अंदर जो संपदाएं छिपी हुई है उनका चरमतम उपयोग ये प्रौढ़ दर्शन कहता है। उसी तरह जो भौतिक संपदा है उसका भी चरमतम उपयोग और निम्नतम और अधिकतम उपयोग प्रौढ़ दर्शन कहता है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी अभाव से ग्रसित जीवन जीने का अवसर ना आए, उनको भी उन सामान्य वस्तुओं को मिलना चाहिए। इसके लिए समाज में एक व्यवस्था की आवश्यकता है और इसी व्यवस्था को लाने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ अपने सामाजिक और अर्थनैतिक दर्शन के माध्यम से सतत एक वैचारिक क्रांति के रूप में जनमानस के बीच में कार्यरत है। और दूसरा पहलू है आनंद मार्ग दर्शन। आनंद मार्ग आध्यात्मिक दर्शन। मनुष्य का जीवन अगर अध्यात्म से अछूता रह गया तो वो जीवन की उस चरम आनंद की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। ये जो आनंद की अवस्था है मनुष्य के मन के भीतर है। आनंद की अवस्था ही ब्रह्म कहलाती है और ब्रह्म की व्यवस्था ब्रह्म चक्र कहलाती है। ज्यादा में अंतर नहीं है, दोनों लाइन में बहुत अधिक अंतर नहीं है। मन में जो आनंद की अवस्था है वही ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में कहा गया है आनंदम ब्रह्म इत्यादि। आनंद की जो चरम अवस्था है वही ब्रह्म का स्वरूप है, तो आनंद जो है मन में ही छुपा हुआ है। तो ये जो मन में आनंद की जो अवस्था है यही ब्रह्म है। और ये जो ब्रह्म की व्यवस्था है, ये जो सृष्टि जगत परमात्मा ने बनाया है, ये जो जगत परमात्मा ने बनाया है, इसी को कहा जाता है ब्रह्मचक्र। तो ब्रह्म की अवस्था हो गई आनंद की अवस्था और ब्रह्म की जो व्यवस्था हो गई ये हो गई ब्रह्मचक्र। संचर प्रतिसंचर आगम निगम मुक्ति और मोक्ष ये ब्रह्म की व्यवस्था है और इन्हीं व्यवस्थाओं में सबसे चरम शीर्ष स्थान पर है अवस्था आनंद की अवस्था। तो ये जो आनंद की अवस्था है ये मनुष्य के मन के भीतर है, इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। इदम तीर्थम निदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्ष वरानने। इधर उधर भटकने से ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ब्रह्म उस विराट सत्ता को अपने मन के भीतर ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, धर्म की गति के माध्यम से अपने मन के भीतर अनुभव करना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अष्टांग योग दिए, जप नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ में योग की प्रक्रिया है। इन अष्टांग योग के माध्यम से, इस आठ अंग के माध्यम से हम ब्रह्म के उस परम और चरम आनंद की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और ये ब्रह्म ने जो सृष्टि बनाई है इसके लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं आत्म मोक्षार्थम जगत हितायचा, आत्मा की उन्नति और जगत का हित। आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान साधना करनी पड़ेगी और जगत के हित के लिए इस जगत की, सृष्ट जगत की सेवा करनी पड़ेगी। और इसी सेवा करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था बनाई। सेवा करने के लिए समाज में अनुशासन
व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, गृहस्थ जीवन का संरचना दिया, स्ट्रक्चर दिया, और अवधूत लोगों का, गृह त्यागी सन्यासी अवधूत लोगों का स्ट्रक्चर दिया अनुशासन को बनाए रखने के लिए। लेकिन इस अनुशासन का जो चरम लक्ष्य है वो है परमात्मा, क्योंकि अनुशासन के बगैर मनुष्य राह पर चल नहीं सकता, अपने जीवन की भित्ति को भूल जाएगा, जीवन के चरम लक्ष्य को भूल जाएगा। इसलिए अनुशासन जीवन में आवश्यक है, और ये अनुशासन है जब नियम, जब के पांच अंग है, नियम के पांच अंग है। साधक के जीवन में अनुशासन को मेंटेन करने के लिए श्री श्यानंद मूर्ति जी ने जम नियम दिए, षोडश विधि दिए, आचरण विधि दिए। ये सब साधक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। तो श्री श्यानंद मूर्ति जी अपने दर्शन के माध्यम से, अपने सिद्धांत के माध्यम से और अपने व्यवहार के माध्यम से ये सिखा दिए कि इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य अपने जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए तो वो इसी मानव जीवन में, जो जीवन के मध्यमणि पुरुषोत्तम परम शिव हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। और उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन में सफलता के कई अंक बताए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं सफलता के जो गोपनीय सूत्र हैं, फलिष्यति विश्वासे सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीयम गुरु पूजनम, तृतीयम श्रद्धा युक्तम, चतुर्थ समता भाव, पंचमे इंद्रिय निग्रह, षष्ठंच प्रमिता हारो, सप्तम नैव विद्यते। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले विश्वास आवश्यक है, और ये विश्वास ही प्रेम है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तब वहां पर प्रेम जागता है, और प्रेम केवल परमात्मा के लिए संबोधन किया जा सकता है, मनुष्य के लिए नहीं कर सकते। जहां पर मनुष्य का भाव निस्वार्थ निष्कलंक